स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स में अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे को क्लास में टाई शाई लगा कर शिद्दत से पढ़ाई भी करनी पड़ती है, वैसे ही हमारी इंडियन मार्केट में एक लाइफस्टाइल ऑफ रोडर एसयूवी को ढेर सारी प्रैक्टिकलिटी भी ऑफर करनी पड़ती है, तभी वो हमारी मार्केट में सक्सेसफुल होती है। और ऐसा ही कुछ मारुति सुजुकी जिमनी के साथ भी हुआ है, बिकॉज इंडियन मार्केट इकलौती मार्केट है जहाँ पर आपको 5-door जिमनी खरीदने को मिलती है, ना कि 3-door जिमनी। तो इंडियन मार्केट के लिए इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, क्या डिफरेंसेस आपको 3-door के मुकाबले इसमें मिलते हैं, वही आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले हिंदी में। शुरुआत डिमेंशन से ही करेंगे। इंडिया स्पेक 5-door जिमनी 340 mm लंबी है और ये पूरी लंबाई दोनों फ्रंट और रियर व्हील्स के बीच में ऐड हुई है, और इस वजह से व्हील बेस भी एग्जैक्टली 340 mm ज्यादा है। लंबे व्हील बेस के कारण रियर रो सीटिंग ज्यादा प्रैक्टिकल तो हुई है ही, पर बूट स्पेस भी डबल से ज्यादा हो गया है। और 5-door होने के बावजूद इंडिया स्पेक जिमनी की ऑफ रोड एबिलिटी में 3-door के मुकाबले ज्यादा फर्क नहीं आया है, और वो पता चलता है इसकी ऑफ रोड स्पेक्स से। सबसे पहले तो ग्राउंड क्लियरेंस पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा है, 210 mm पर अनचेंज्ड है, पर जिमनी को असली ऑफ रोड क्रेडिबिलिटी इसकी अंडरबॉडी के एंगल्स देते हैं। फ्रंट एंड रियर ओवरहैंग्स बहुत छोटे हैं, जिससे 36 डिग्रीज का अप्रोच और 50 डिग्रीज का डिपार्चर एंगल बरकरार है, तो 3-door जिमनी से 19-20 का ही फर्क होगा। हाँ, एक्स्ट्रा व्हील बेस के कारण रैंप ब्रेक ओवर एंगल 4 degrees कम हुआ है, बट वो लिमिट एकदम एक्सट्रीम ऑफरोडर्स ही पहुंच पाएंगे। इंजन दोनों में सेम लगे हैं, लेकिन ऑन पेपर इंडिया स्पेक मॉडल के फिगर्स 3.8 हॉर्स पावर ज्यादा और टॉर्क 4.2 Nm ज्यादा है, लेकिन 5-door जिमनी का वजन भी करीबन 115 kg ज्यादा है, तो पावर टू वेट रेशियो 3-door जिमनी का ज्यादा है, और इस कारण परफॉर्मेंस 3-door जिमनी की 5-door जिमनी से थोड़ी बेहतर होगी। बट मारुति का कहना है कि 5-door जिमनी भी चलाने में काफी पेपी होगी। गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम होने के बावजूद फीचर्स में काफी डिफरेंसेस हैं। इंडिया स्पेक मॉडल के फीचर सेट काफी अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव है। इनफैक्ट इसमें आपको हेडलाइट वॉशर, क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसी मॉडर्न डे गुडीज मिल जाती है। बस कुछ रेडार बेस्ड फीचर्स नहीं मिलते, जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग एंड हाई बीम असिस्ट। इंडिया स्पेक जिमनी मारुति की प्रीमियम डीलरशिप्स नेक्सा के थ्रू बेची जाएगी, और नेक्सा की मेजॉरिटी ऑफरिंग्स की तरह साइड एंड कर्टन एयरबैग्स ऑफर करती है। मारुति ने पूरी कोशिश की है कि 2 दरवाजे एक्स्ट्रा होने के बाद भी जिमनी को भारतीय ग्राहकों के दिल के दरवाजे खोलने में दिक्कत ना हो। क्या आपको 5-door जिमनी पसंद है, या अब इसके आने के बाद आप 3-door जिमनी की डिमांड करोगे? मिले ना मिले, बट हम कॉमेंट्स में तो डिस्कस कर ही सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अब तक नहीं किया है तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।